नमस्ते दोस्तों, क्या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि आपका लिंग खड़ा नहीं होता या ठीक से खड़ा नहीं होता और आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ग्रेडिंग के बारे में। ईडी की ग्रेडिंग मतलब कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस स्टेज में है और किस स्टेज में आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार मरीज जो है वो अपने ईडी को ग्रेड ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि ईडी कितना बढ़ गया है। क्या आपका लिंग खड़ा होता ही नहीं है या होता है पर ढीला होता है, ये दोनों मरीज़ फ़र्क है। एक मरीज़ है जो सेक्स करने जा रहा है, अपनी वाइफ से सेक्स करने के लिए कोशिश करता है और लिंग बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करता, वर्सेस एक पेशेंट है जो लिंग इरेक्शन तो हो रहा है पर वो पूरा ख़त्म करने से पहले अपनी हार्डनेस खो देता है, वर्सेस एक पेशेंट ऐसा है जिसका इरेक्शन होता है फिर डाउन हो जाता है, फिर इरेक्शन होता है फिर डाउन हो जाता है। तीनों मरीज अलग है, तीनों मरीज की इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सिवियरिटी या हार्डनेस की ग्रेडिंग अलग है और तीनों की जो ट्रीटमेंट है या तीनों के लिए जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो भी अलग अलग है। कई बार हर छोटा मरीज, फॉर एग्जांपल एक यंग लड़का है जो सिर्फ 24 साल का है और जिसको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहे, वो भी एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से, वो भी मेरे पास आते हैं इम्प्लांट कराने के लिए, वर्सेज एक 55 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग है, बुजुर्ग नहीं 55 साल तो यंग ही होता है, 60 ईयर्स के एक बाबा जी है जिनको डायबिटीज़ भी है, स्मोक भी करते हैं, प्रोस्टेट भी है और जिन्होंने पिछले 4 साल में एक बार भी सेक्स नहीं किया और वो आके बोलते हैं कि कोई दवाई दे दो ऐसी जो खा के मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँ। तो एक सीवियर ग्रेड के बाबा जी है, उनको ऑब्वियसली दवाइयाँ नहीं काम करने वाली, और एक यंग है जिनको माइल्ड ईडी है, ऑब्वियसली ये पेशेंट को थोड़ी सी स्ट्रेस रिलीफ से आराम आ जाएगा। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आज की वीडियो में आप अपनी ग्रेडिंग को, अपने ईडी की जो सीवियरिटी को या आपको कितना सीवियर ईडी है इसको आप समझ पाएंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुषों का विशेषज्ञ, मतलब कि मर्दों का डॉक्टर, और मैं मर्दों की हर प्रॉब्लम, चाहे वो किडनी स्टोन हो या चाहे वो उनके टेस्टिस का छोटा हो जाना हो, चाहे उनके इरेक्शंस हो, चाहे उनकी फिमोसिस की प्रॉब्लम हो, चाहे उनके पेनिस की कर्वेचर की प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का एक प्रॉपर साइंटिफिक इलाज करने की कोशिश करता हूँ, उनको साइंटिफिक इलाज देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मेरे पुराने वीडियोस में मिलेगी, प्लस आपको जेन्युइन साइंटिफिक अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने आप को खुद घर बैठे ठीक करने की लगातार मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, मतलब वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ग्रेडिंग में सबसे पहले आता है माइल्ड ईडी। माइल्ड ईडी मतलब कि जो बिल्कुल शुरुआती ईडी है। माइल्ड ईडी के अंदर कॉजेज़ होते हैं स्ट्रेस, टेंशन, साइकोजेनिक। माइल्ड ईडी में कॉजेज़ होते हैं स्मोकिंग कर रहे हो, माइल्ड ईडी में कॉजेज़ होते हैं माइल्ड हार्मोनल डिस्टर्बेंस, माइल्ड ईडी में कॉजेज़ होते हैं कि बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया। तो माइल्ड ईडी मतलब ऐसा ईडी जो बिल्कुल मामूली है। इसमें मरीज़ को या तो मॉर्निंग इरेक्शन या सुबह जब उठता है तो इरेक्शन नहीं आएंगे, आएंगे तो ढीले ढाले होंगे, पर जब मरीज़ पॉर्न देखता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है, अपनी वाइफ से बात करता है तो लिंग एकदम हार्ड हो जाता है, लिंग पूरा हार्ड हो जाता है, पूरा सख्त रहता है, सेक्स में कोई दिक्कत नहीं आती, सेक्स पूरा हो जाता है, पर मरीज़ को मॉर्निंग इरेक्शन में दिक्कत आ रही है या पेशेंट का इरेक्शन आता है, शुरुआत में सॉफ्ट रहता है पर थोड़ा टच करने पे, थोड़ा मास्टरबेट करने पे, थोड़ा हिलाने पे या थोड़ा किसिंग या फोरप्ले करने पे इरेक्शन फुल हो जाता है। तो माइल्ड ईडी के मैंने बताया कॉजेज़ बहुत कॉमन होते हैं। इसमें स्ट्रेस बहुत कॉमन है, थोड़ा हार्मोन डिस्टर्बेंस, वेट गेन, वेट लॉस, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा वर्क का स्ट्रेस हो गया, काम की दिक्कत हो गई, इन सबसे होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पिनाइल मसाज कीजिए, कीगल एक्सरसाइज कीजिए, डॉक्टर से मत मिलिए, अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए, स्मोकिंग कर रहे हो छोड़ दीजिए, अपनी नॉर्मल जो सप्लीमेंटेशन एल-आर्जिनिन की स्टार्ट कीजिए, आप मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मॉडरेट ईडी। मॉडरेट ईडी मतलब बीच का ईडी। इसमें मरीज़ कहता है कि उसको इरेक्शन तो आता है पर पूरा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट रहता है, पर हाँ वो योनी के अंदर अपना पेनिस डाल पाता है। मेन पॉइंट है योनी में पेनिस का डलना। अगर योनी में पेनिस नहीं डाल पा रहा, इतना ढीलापन आ गया है, तो फिर वो सीवियर में गया। इरेक्शन आ रहे हैं पर पहले जितने हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हो गए हैं। योनी में ज़रूर डल जाता है पर योनी में लंबे टाइम रुकता नहीं है, जल्दी डाउन हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, पूरी हार्डनेस नहीं रहती, बीच में हार्डनेस कम हो जाती है पर फिर हिलाने पर टाइट हो जाता है। हर बार चाहो तो हार्डनेस ज़रूर आती है। अगर पेशेंट जो है वो किसी से मिलने गया है, किसी से नई फ्रेंड से मिल रहा है, तो उसको बिना दवाई यूज़ के इरेक्शन आता ज़रूर है, पर हाँ जितना हार्ड या जितना उसको एक
ताकत चाहिए उतनी नहीं है, तो ये मॉडरेट इडीज है। इसमें बेसिकली अब आपकी दिक्कत बढ़ चुकी है, बीपी होगा, डायबिटीज़ होगी, हो सकता है अनकंट्रोल्ड हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो चुका है, हार्मोन ख़राब हो चुके हैं, वजन बढ़ चुका है, शरीर के अंदर कमी आ चुकी है, उम्र बढ़ चुकी है, हो सकता है कि सामने वाले में इंटरेस्ट ना हो, घर में कलेश चल रहा हो, तो इनका भी ट्रीटमेंट दवाइयों से ही पॉसिबल है। और दवाइयों के साथ में कुछ एडिशनल थेरेपीज जैसे शॉक वेव है या पी शॉट है, उससे मरीज को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल सकता है। और फिर आता है हमारा सीवियर ईडी। सीवियर ईडी मतलब अब वो कंडीशन है जिसके अंदर मरीज को सेक्स नहीं हो पा रहा है, इरेक्शन आता है पर बहुत लूज है, हार्ड होता भी है पर जब करने जाते हैं तो गायब हो जाता है, योनि के अंदर प्रवेश नहीं हो पाता, पेनिस कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बिना दवाई के कुछ हो ही नहीं रहा है, दवाई खानी ही पड़ती है और दवाई खाने के बाद भी काम नहीं होता, और कई बार आप कहीं गए हो बाहर हो तो बिना कुछ करे ही वापस आना पड़ता है। हो सकता है कि पिछले 10 बार में 2 बार काम ही ना हुआ हो, 2 बार बिना करे ही सोना पड़ा हो, बहुत हिलाने के बाद भी मूवमेंट नहीं आती, और ये सारे सीवियर ईडीज हैं। सीवियर ईडीज में अब जो है ब्लड सप्लाई खराब हो चुकी है, वॉल्व खराब हो चुके हैं, डायबिटीज बढ़ चुकी है, पेरोनीज हो सकता है, गाँठें बन गई है, पेनिस में हल्कापन है, पेनिस में छोटापन है, पेनिस में सिकुड़न है, पेनिस के अंदर जो है जो पहले जैसी गर्मी नहीं है, पेनिस ठंडा लगता है, ब्ल्यू हो चुका है, सीमन की क्वांटिटी पतली हो चुकी है, और अब ये मरीज आ गए सारे सीवियर ईडी में। सीवियर ईडी के अंदर आपको पिनाइल डॉपलर की ज़रूरत है, आपको हार्मोन के टेस्ट की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। अगर वेरी सीवियर ईडी है जिसमें सब कुछ ही ख़त्म है, खून में सप्लाई है ही नहीं, तो उनमें डेफिनेटली मरीज में इम्प्लांट डलेगा। और अगर सपोज सीवियर ईडी के अंदर भी कई बार पी शॉट से, हार्मोन थेरेपी से, कंट्रोल ऑफ शुगर से, एक्सरसाइज से, ईआरपी से, सब ट्रीटमेंट का अगर मैं सारा का सारा एक ये गोला बना के मरीज को दे भी दूँ तो हो सकता है कि मरीज में फ़ायदा ना भी हो। तो आप सबसे पहले अपना ईडी आइडेंटिफाई कीजिए है कितना, माइल्ड है टेंशन मत लीजिए, घर पे इलाज कीजिए, मॉडरेट है हमसे मिलिए, मुझसे मिलिए, किसी भी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए जो आपको प्रॉपरली इलाज करे, महंगी दवाइयाँ ना दे, सिंपल दवाइयाँ दे, ठीक कर दे। और सीवियर ईडी है तो आप सोचिए कि इसमें क्यों है, और अगर कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो करिए, वरना उसके अंदर हो सकता है कि आपको इम्प्लांट की ज़रूरत पड़े। तो इस वीडियो में आपको मैंने समझाया ईडी की ग्रेडिंग, ईडी की ग्रेडिंग के हिसाब से उसका इलाज ढूंढिए। वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी है, ओरिजिनल है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमेशा ईडी पेनिस के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।